पिंकी फिर सातवां महीना शुरू हो गया। सातवां महीना घूम रहा है। हाँ बेबी शावर होना है ना। और क्या क्या करना है इसमें आप बताओ। मजा आता है बेबी शावर पर आई। मजा आएगा, सब आएंगे, एंजॉयमेंट, खाना पीना सब। तो वो बोलते रहे, वो बोलते रहे, कान में बोलते हैं, कान में बोलते हैं, गोद में रखते हैं। क्या सरप्राइज होगा तेरे लिए, गोद में रखना करना ये सब। ये बड़ा मजा आएगा ना। ये तो एंजॉयमेंट है सब, बहुत अच्छा लगेगा सब। बढ़िया है। हाँ बहुत अच्छा टाइम है ये, बहुत खुशी का। और ये जो आस का चोला होता है ना। हाँ आस का चोला होता है, वो मम्मी के उसे आस का चोला देते हैं ना। मेन तो वही होता ना। हाँ आस का चोला होता है, बस बच्चे दर्शन करनी है, शगुन करना है, बस ये होता है। बाकी इंजॉयमेंट, खाना पीना वो डिसाइड करते हैं, फिर खाने पीने का क्या करना है। हाँ घर पे ही बाहर, फिर वही दिक्कत। फिर उसके बाद मैं कैसे करूँगी, मैंने जाऊँ को मतलब मोमेंटिंग नहीं रुक रही है। हाँ फिर घर पे ही कर लेते हैं, घर पे ही ठीक है ना। हाँ घर पे हाल ठीक है हमारा, घर पे कर लेते हैं। खास खास जो भी है थोड़े से खिला के घर पे ठीक है, घर पे कर लेते हैं। मैं तो परफॉर्मेंस ही करूँगी। हाँ परफॉर्मेंस कर ली, परफॉर्मेंस करेगा बेबी शावर भी आ गया। शावर मजा आएगा, वो सब डिसाइड कर रहे थे हम, प्लान कर रहे थे। क्या डिसाइड किया हुआ आप लोगों की? प्लानिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी चलती है मुझे पता है। बड़ी मजेदार होती है, बड़ा मजा आता है। अच्छा रिंकी मैम आप बताओ। बस बेबी शॉवर की तैयारियां कर रहे हैं। इतनी शरीफ तो है नहीं जितनी शरीफ आज शराफत से बोल रही है। ओए होए होए होए, तुम भी इतनी शरीफ नहीं हो। भाई वो टाइम का क्या सोच रहे हैं, टाइम क्या होए और खाने पीने का क्या डिसाइड करें। दिन में स्टार्ट होगा, दो घंटे लेट लोग आएंगे, फिर शाम का फिर खाना पीना। मैं सोच रही थी गेम्स भी रखे और फिर वो सैशेस भी सोच रही थी मैं। ये लो रिंकी मैम के चोटले। मजा आएगा, तभी तो फिर केक कटिंग भी रखनी है यार। सब होएगा, सब कुछ रखेंगे ना। और खाने पीने का सोचा? खाने पीने का वही टाइम के हिसाब से फिक्स करेंगे ना। टाइम पर देखो टाइम क्या है, टाइम के हिसाब से फिक्स करते हैं। अभी टाइम टाइम शाम पे ठीक रहेगा मेरे को लगता है। शाम को तो फिर किस टाइम पे रखेंगे? शाम को किस हिसाब का रखे चीज फिर अच्छा भी लगे तो क्या रखे? छोले भटूरे बेटर रहेगा। हाँ छोले भटूरे बढ़िया लगते हैं, गरम गरम वाई बिठा लेंगे, छोले भटूरे हो गए तो साथ में। छोटे मोटे स्नैक्स रख लेना, पकौड़े रख लो। हाँ बाकी देखो कोल्ड ड्रिंक की तो बॉटलें लेंगे छोटी वाली, ठीक है। डालने का झंझट बड़ा, वो क्लासेस में कौन करेगा? नहीं नहीं वो मैनेज करना मुश्किल है, तो दिक्कत होती है। नहीं दिक्कत होती है, तो बॉटल्स छोटी ठीक रहेंगी। छोले भटूरे पकौड़े मीठे में कर लो कुछ, गुलाब जामुन। चलो जी गुलाब जामुन, चलो गुलाब जामुन है। गोलगप्पा आने है, गोलगप्पी आनी है, तो फिर गुलाब जामुन ही खा लो। गुलाब जामुन ठीक है, ये ठीक है, ये मेन्यू ठीक है। छोले भटूरे हो गए, पकौड़े वगैरह हो गए, और लाइम्स वगैरह हो गए, ड्रिंक्स हो गई, मीठे में गुलाब जामुन हो गए। हाँ पूरा मेन्यू सेट है, बस ठीक है, ये बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। टाइमिंग वही 2 बजे से रखते, 3 बजे से रख देते हैं। हाँ 3 बजे रखते हैं ना, आराम से फ्री हो गए सब। लोगों ने एज यूजुअल लेट ही आना, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो जाते हैं और फिर सेरेमनी होगी, फिर आराम से खाने पीने का हो जाएगा। अरे वो मम्मी नहीं कह रही, मम्मी कह रही जो तूने फैशे ड्रामे करनी है वो सब, और जो चीजें हमने करनी है खाने की करती रहेगी, बस खाने थोड़ी खाना है, और भी तो काम है। मुझे लगा खाने की डिस्कशन चल रही थी ना, वही मैं तो थोड़ा सा और एंजॉयमेंट भी रख लेते हैं, आपको पढ़ के सुनाऊंगी। हाँ जी बहुत अच्छी लिखी है मम्मी, तो फिर आप किससे मंगवाए? पंडित जी है ना, पंडित जी को फोन कर दो। ठीक है पंडित जी को फोन कर दूंगी। चलो बढ़िया, वो दे जाएंगे ना? हाँ दे देंगे, बस ठीक है।
अब हमारा ढोलक भी हो गया, माइक भी हो गया, ठीक है, ठीक है मम्मी, सब हो गया, ये तो सही है हमारा। और टाइमिंग जो हमने करी ली है, टाइमिंग फिक्स हो गया, खाने का हो गया, और माइक भी दे जाएगी।